इतने ज्यादा है नहीं, कभी कभी आते हैं तो ऐसा कोई इम्प्लीमेंटिंग डॉक्यूमेंट मिला नहीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दतिया। आज सुबह 9:30 पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं एवं दतिया के आमजन से भेंट की। जन समस्या सुनने के बाद डॉक्टर मिश्रा 10 बजे श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर एवं शनिदेव मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना की। 11 बजे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नवीन भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन किया। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए ई टेंडरिंग प्रक्रिया के बारे में कमलनाथ सरकार ने कुछ नहीं किया है, झूठे आरोपों और बातों के अलावा तथ्यहीन आरोप लगाते रहे। भूमि पूजन के बाद भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह बुंदेला के द्वारा किए जा रहे कावड़ यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। कमलनाथ सरकार ने ये राजनीति में एक गलत परंपरा शुरू कर दी। राजनीति मूल्यों पर आधारित होती है, न कि झूठे और तथ्यहीन आरोपों पर। ई टेंडरिंग प्रक्रिया जब विषय टेम्परिंग का आया तो हमने जांच के आदेश दिए और इन्होंने जिनके हम खिलाफ हमने जांच के आदेश दिए उनको ठेके दे दिए, काम दे दिए। मैं कमलनाथ जी को चुनौती देता हूं कि उनके पास भी एक भी आरोप, एक भी तथ्य हो तो वो रखें। जिन कंपनियों को ठेके की शिकायत प्राप्त हुई थी उसी समय उनके टेंडर निरस्त कर दिए, एक पैसे का काम धरातल पे नहीं हुआ और एक पैसे का भुगतान धरातल पे नहीं हुआ। राजनीतिक विद्वेष पूर्ण कार्रवाई है और इसलिए इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने की कोशिश, चपरासी बाबू, इस स्तर के लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि ई टेंडरिंग की प्रमुख सचिव स्तर की, सचिव स्तर की, सीएस स्तर की कमेटी की अध्यक्षता में ये कार्रवाई होती है, टेंडर स्वीकृत होते हैं। पकड़ किसको रहे हैं? बाबू को, चपरासी को। वो अगर ये सोचते हो किसी कारण से अपने मन में कि इससे हमारा कोई अभियान प्रभावित हो जाएगा तो ये इस भ्रम को दूर कर लें और हमारी चुनौती को स्वीकार करें।